अ वेरी गुड आफ्टरनून वंस अगेन आप सबको, छोटों को ढेर सारा प्यार, बड़ों को पेरिपोना जी। गाइज, मैं आपसे सुबह मिल चुकी थी, सुबह मैंने आपको बाय बाय टाटा कर दी थी क्योंकि रात को ब्लॉग एंड नहीं हो पाया था और ऑफिस वाले ऑफिस चले गए। आरव और मैंने जस्ट नाश्ता निपटाकर फटाफट बट साफ सफाई वगैरह की और अभी टाइम हो रहा है 1:30, तो 1:30 बजे हम कमरे को बनाने लगे हैं अपने घर को, छोटा मिनी थिएटर। और हमने मूवी ढूंढी है एक हॉरर वाली, अरे क्या नाम है, ईवल डेड राइज, तो वो मूवी बड़ी पसंद है मुझे। ईवल डेड के मैंने सारे पार्ट देखे हैं। तो अब हम दोनों माँ बेटा क्या करने लगे हैं, हम लगाएंगे पिलो यहाँ पर बेड पर अपने गद्दे पर, ठीक है, पूरे कमरे में करेंगे अंधेरा और सामने वाली लगाएंगे लाइट ऑन और बनाएंगे मिनी थिएटर और टीवी पर लगाएंगे फ़ोन से कनेक्ट करते मूवी ईवल डेड राइज, क्योंकि बच्चों को आने में 5 बजे बच्चों ने आना है, काम मैंने फटाफट निपटा लिया, बस नहाना धोना रह गया और लंच रह गया। आरव पढ़ने के टाइम पे पढ़ भी लेगा, उसकी इंग्लिश की तैयारी पूरी है, तो होमवर्क करेगा और इंग्लिश का काम करेगा, तो अभी एज सच वो बर्डन वाला काम नहीं है क्योंकि 2020 या 25 मार्क्स के यूटीज होने हैं, जो तैयारी हमारी साथ साथ चल रही है। तो मैं आपको दिखाती हूँ पूरा अंधेरा करके रूम मिनी थिएटर जो हम बनाते हैं, देखिए गाइस, मैं आपको इस ब्लू लाइट में बहुत हॉरिबल लग रही हूँ तो मैं अपने आपको नहीं दिखाती, फटाफट देखिए थिएटर बना दिया। देखिए गाइस, ये जो हमारा क्या लगा हुआ है, पैनल लगा हुआ है ना, पैनल की चारों तरफ की लाइट्स ऑन कर दी हैं और इस इतने बड़े पैनल पे ना हमारा टीवी इतना छोटा लगता है, तो इसका भी जुगाड़ हमने कुछ ना कुछ देखा है। तो अभी हम इस पे मूवी लगाने लगे हैं, ईवल डेड राइज। अब हम इस मिनी थिएटर में बैठ के मूवी देखने लगे हैं, तो मूवी देखने के बाद मैं आपसे मिलती हूँ, तब तक नो डिस्टर्बेंस। वेलकम बैक जी गाइज, आरव और मैंने मूवी देख ली और मूवी का नाम मैंने बताया था क्या था, मैं नाम भूल जाती हूँ यार, ईवल डेड राइज मूवी। ऑसम, बहुत अच्छी थी, बहुत ही अच्छी थी। अगर सिनेमा हॉल में 3D है ना तो बैंड बज जाती है इस मूवी को देखकर, सीरियसली। और आरव आ गया, आरव के लिए मैंने बनाई है उसकी फेवरेट चिकन मैगी एंड ही इज कम्प्लीटली फिट एंड फाइन। थोड़े से मैं ध्यान दे दिया तो इसलिए ठीक हो गया, दवाई दुवी दे दी थी घर पे पड़ी हुई है, और अब इसके लिए बन रही है चिकन मैगी जो ये खाएगा। और मेरे लिए दाल चावल क्योंकि मैंने सुबह दाल बनाई थी, ब्रूनो की रोटी बनाई है, उसको फटाफट फटाफट खिलाऊंगी फिर बच्चे आ जाएंगे। ये देखिए गाइज, ये बनाई है आरव के लिए चिकन वाली मैगी जो वाई वाई की वो लेकर आया था। यहाँ ब्रूनो की रोटी बन गई है पूरी डन एकदम मस्त बढ़िया सी, और ये है मेरे चावल और दाल है इसमें, अरे खुल जा, ये है मेरे दाल चावल, ये है आरव की मैगी, ये है ब्रूनो की रोटी और मेरी बकरी कांगी, बकरी 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 बुनी, ये देखो ये अभी यार आपको आपको आराम से बैठा हुआ दिख रहा है ना, अभी मैं रोटी की प्लेट लेकर आऊंगी और ये पूरे घर में भागता हुआ नजर आएगा, देखना गाइस। देखिए इसने अपनी रोटी की प्लेट देख ली और ये भाग गया आरव के पास और उसको अब ये बोल रहा है कि मुझे बचा ले और वहां जाकर बैठ गया। इतना चोर है ये रोटी का, मैं आपको क्या बताऊं। ये रही इसकी रोटी, मैं खिलाने लगी हूँ आपको दिखाती हूँ, ये देखना अभी कैसे इसका मुंह पकड़ के दबाना पड़ेगा, ये देख रहा देख मुंडी, देखो इसकी मुंडी, ये देखो मुंडी कहाँ है और ये गया मेरा हाथ और ऐसे मैं मुंह पकड़ती हूँ इसका, ये देखो देखो ऐसे खिलाती हूँ खाना इसको। तो अब मैं ब्रूनो को खाना खिलाने के बाद, बच्चों को पढ़ाने के बाद आपसे मिलूंगी शाम को, और शाम को मैंने बनाना है कड़ी चावल, तो बने रहिए हमारे साथ 10 मिनट वाली झटपट फटाफट रेसिपी आपके लिए। गाइज अभी मेरे सारे स्टूडेंट्स पढ़कर गए हैं 8 बजे, और आज मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं व्लॉग रात को ही एंड करूं क्योंकि सुबह ना टाइम नहीं होता, फिर व्लॉग सुबह एंड करो, सुबह एडिटिंग करो, बहुत मुश्किल हो जाता है, और एक हाथ रसोई में चल रहा होता है काम में, दूसरा हाथ फोन में, तो आज बड़ी प्रॉब्लम हुई मुझे व्लॉग एंड और एडिट करने में क्योंकि आरव तो सो गया था। तो मैं अभी बनाने लगी हूँ अपने लिए कुछ खाने के लिए क्योंकि अभी बच्चे पढ़कर गए हैं, तो खाने के लिए आज मेरे पास पड़ा है दाल चावल भी थोड़े पड़े हैं और बनाना चिया सीड्स केलॉग्स वगैरह सब पड़ा, तो मैं कुछ भी खा लूँगी एज सच, बहुत ज़्यादा वाली भूख नहीं है। और एक तरफ लगाऊंगी मशीन रात को 8 बजे, दूसरी तरफ तैयारी करेंगे कड़ी की, तो बड़े दिनों बाद आज कड़ी घर में बन रही है, एक बार मम्मी के यहाँ से आ गई, एक बार बाहर से आ गई, बाहर से आई थी हाँ, और आज मैं कड़ी बनाऊंगी, तो बस कड़ी बनेगी खट्टी टैंगी, आहा मुंह में पानी। तो कड़ी बनाने के बाद तो रोटी मैं बिल्कुल नहीं खाऊंगी, तो आई विल हैव कड़ी चावल। और ब्रूनो को शाम को 5 बजे खिलाया था तो अभी टेंशन है ही नहीं ब्रूनो की, और आरव गया अपने दोस्त के साथ कुछ कोल्ड ड्रिंक वगैरह लेने के लिए, वो आता है, बेटी को आने में अभी 10-15 मिनट हैं, तो अपने लिए टाइम है, तो अपने लिए स्ट्रॉबेरी के लॉग्स बना लो और थोड़े से खा लो, आइए गाइस। देखिए बनाना और ये स्ट्रॉबेरी के लॉग्स, और बताए कुछ लोग मुझे व्हाट्सएप पे कमेंट करते हैं, बड़े अच्छे अच्छे कमेंट, मतलब मेरे नोन जो है कि तू हमेशा इतना खुश कैसे रह लेती है, यार ये अपने हाथ में होता है, टेंशन बहुत होती हैं लाइफ में, अप एंड डाउन बहुत होते हैं, आप बिलीव नहीं करेंगे, कई बार मेरा मूड बहुत खराब होता है सीरियसली, मतलब होती हैं बातें घर में, बच्चे हैं, हस्बैंड है,
काम है, काम बहुत कभी अच्छा है कभी अच्छा नहीं है, कभी किसी पेरेंट्स से कोई छोटी मोटी बात हो जाए या कभी किसी से नहीं भी होती, तो हर वक्त आपका मूड अच्छा नहीं रह सकता, ये फैक्ट है। कभी बहुत खुश होते हो तो कभी बहुत दुखी भी होते हो, लेकिन हम दुखी हैं हम ये किसी को क्यों बताएं, राइट? तो हमें किसी को बताना ही नहीं है कि हम परेशान हैं, किसी को हमने जताना ही नहीं है कि हम दुखी हैं, तो हम खुश रहकर दूसरों को दुखी कर सकते हैं। इसीलिए मैं खुश रहती हूँ कि मुझे किसी के सामने कुछ भी शो नहीं करना। आई एम हैप्पी एंड आई वॉन्ट टू बी हैप्पी एंड आई वॉन्ट द पीपल अराउंड मी शुड बी हैप्पी। तो मेरे आसपास भी जो लोग हैं मुझे चाहिए कि मतलब मैं ये सोचती हूँ कि वो भी खुश रहें, इसलिए मैं खुश रहती हूँ, बाकी भगवान बैठा है सबके लिए। तो आप भी पॉजिटिव रहो, कुछ भी हो, अप एंड डाउन। कई बार एक्चुअली मैं बहुत ही सड़े मूड में होती हूँ, लेकिन जब मैं व्लॉग स्टार्ट करती हूँ ना तो मैं अपने आप को कन्वर्ट कर लेती हूँ कि मुझे आपके सामने रिप्रेजेंट होना है, तो थोड़ा सा मूड अच्छा हो जाए। बट कई बार ऐसा होता है कि मैं गुस्से में भी आ जाती हूँ, आप लोगों के सामने भी बोल देती हूँ भड़बड़ करके, तो हो जाता है कभी कभार। लेकिन कोशिश यही होती है मेरी ज़्यादातर 99.9% कि मैं आप लोगों के सामने हंसते खेलते ही आऊँ। और चलिए अब हंसते खेलते केलॉग्स बनाते हैं और खाते हैं दूध में ठंडे ठंडे। गाइज देखिए, मैंने दूध में डाले हैं स्ट्रॉबेरी केलॉग्स, चिया सीड्स और बनाना। तो मैं थोड़ा सा अब ये खा लूँगी तो मेरा पेट भर जाएगा, फिर रात को कढ़ी चावल। कैमरा कहाँ है, बाउल कहाँ है, मेरा ऐसे ही होता है मेरे साथ। गाइज जैसा कि आप देख रहे हैं कि पीछे कढ़ी बनने की तैयारी हो रही है, और कढ़ी बनेगी तो ऊपर भी जाएगी, नीचे भी जाएगी, सब जगह जाएगी, क्योंकि हम लोग यहाँ पर ना मतलब कुछ भी अच्छा अच्छा बनाते हैं, नीचे आंटी बनाती है तो वो ऊपर भेज देती हैं, ऊपर भाभी कुछ अच्छा बनाती है तो वो नीचे भेज देती हैं। तो टच वुड ये प्यार बस ऐसे ही बना रहे सबके साथ, और मिलकर हम सब एक साथ रहें। चाहे हम लोग तीन फैमिलीज हैं, लेकिन रहते हम ऐसे हैं सारे जैसे हम लोग पूरा एक ही परिवार है, तो बहुत अच्छा लगता है मुझे ना ये छोटी छोटी चीज़ें, और छोटा छोटा अपनापन बहुत पसंद है, तो यही चीज़ें मुझे लाइफ में बहुत मैटर करती हैं। चलिए बहुत लेक्चर हो गया, आ जाइए। मैंने डाला है यहाँ पर छाछ में, जो कड़ी की छाछ आती है, अरे लाइट बड़ा परेशान करती है, जो कड़ी की छाछ आती है मैंने वो लेकर आई हूँ। उसमें मैंने डाला है बेसन और नमक और हल्दी बस, और थोड़ा सा पानी डाला था क्योंकि बेसन पानी में ही घोला था। ये देखिए, तो ये छाछ में मैंने 2 चम्मच बेसन और नमक और हल्दी डाल दी टेस्ट के हिसाब से। अब इसको हम हिला रहे हैं अच्छे से, और छाछ में लाई थी 1 किलो, तो बस अब ये बनेगी कड़ी। ये अपना करती रहेगी, धीरे 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 इसका प्रोसेस चलता रहेगा। यहाँ पर तेल गर्म हो चुका है, तेल में हम डालेंगे हींग, जीरा और बारीक कटे हुए चॉपर में प्याज और अदरक लहसुन का पेस्ट। इसमें बिल्कुल भी टमाटर नहीं डालती मैं, क्योंकि मेरे हस्बैंड को और बेटी को टमाटर कड़ी में नहीं पसंद। आपकी चॉइस है, आप डाल सकते हैं। तो चलिए डालते हैं जीरा और हींग। गाइस ये देखिए, प्याज यहाँ पर भून रहे हैं, जीरा और हींग डाल दी गई है, और इसमें अब हमने इसे थोड़ा सा अदरक लहसुन का पेस्ट डालना है जब प्याज हमारे ब्राउन हो जाएंगे, और थोड़ा सा फिर डालेंगे लाल मिर्च पाउडर, दैट्स इट। जब तक गाइस प्याज लाल हो रहे हैं तब तक मैं आपको दिखाऊं, मैंने ये बारीक प्याज काटे हैं, मतलब जैसे हम चावलों में काटते हैं ना लंबे लंबे, वैसे ये प्याज काटे हैं, और इनके अंदर हम बेसन डाल के थोड़ा सा नमक और लाल मिर्च वो डाल के हम तैयारी करेंगे पकौड़े बनाने की, और पकौड़े बहुत छोटे छोटे बनाऊंगी मैं ताकि खाने में टेस्टी लगे। गाइस देखिए, रेड चिली पाउडर मैंने इसमें डाला, और ये जो मसाला है वो तेल छोड़ रहा है, और अब मैं इसे कड़ी में ऐड कर दूंगी, और फिर तैयारी करेंगे हम पकौड़े बनाने की। ये देखिए, मैं ज़रा इसको उसमें मिक्स कर दूँ। देखिए कड़ी तो हमारी कड़ के आधी हो गई, और इधर तेल शायद गर्म हो चुका है जो मुझे लग रहा है, और मैंने बेसन के ये प्याज वाज रेडी कर दिए हैं, थोड़े थोड़े छोटे छोटे निकाल के हम चेक करते हैं पहले कि तेल गर्म हुआ है कि नहीं। चलिए पहले छोटा सा एक पकौड़ा बना के देखते हैं। हाँ, तेल गर्म हो गया, तो मैं पकौड़े तलने की तैयारी करती हूँ, फिर आपको मिलती हूँ। फोन रखो इधर भाई। गाइस देखिए, ये पकौड़े मैंने निकाले हैं अभी, लेकिन अभी ये एक बार और तलने में जाएंगे, इनको ऐसे दबा के ना प्रेस करके मैं दोबारा इनको रीफ्राई करूंगी, जिससे ये क्रिस्पी हो जाएंगे, और उसके बाद कड़ी में डाल के गैस बंद, उबाला नहीं दिलवाना। तो ये यहाँ पर हो गए हैं, रीफ्राई करके दोबारा इनको निकालूंगी और फिर डालेंगे कड़ी में, और फिर बन जाएगी हमारी कड़ी टेस्टी यम्मी। गाइस ये देखिए, जो पहली बारी में पकौड़े तले हैं आप उनको देखिए कितने सॉफ्ट और मोटे लग रहे हैं, और ये दोबारा जब ये रीफ्राई हुए हैं तो एकदम क्रिस्पी और कड़क हो गए हैं। वैसे मुझे कुकिंग का शौक नहीं है, लेकिन जब बनाती हूँ तो बहुत मन से। गाइस ये देखिए हमारी गर्मा गर्म कड़ी की शक्ल, वाओ इट इज़ लुकिंग रियली नाइस। लेकिन मैं आपको बताऊँ, मेरे बच्चों ने मेरा एक काम और बढ़ा दिया। बताऊँ क्यों, बताती हूँ। वेट, बच्चों की डिमांड आई है कि कढ़ाई तो आपने रखी हुई है, पकोड़े तो आप बना ही रहे हो, कड़ी तो आपकी बनी गई है, तो अब एक काम करो, थोड़े से पनीर के पकोड़े भी बना दो। अब ये प्याज के मैंने इतने सारे बना के रखे हैं इनके खाने के लिए, अब इनको पनीर के भी खाने हैं। तो गए हैं दोनों बदमाश पनीर लेने, थोड़ा सा पड़ा था बट वो ब्रूनो के लिए पड़ा हुआ है, उसको रोटी वगैरह देनी होती है मुझे, तो बस अब पनीर लेकर आएंगे, और फिर मैं पनीर के पकौड़े बनाऊंगी। तो अब मैं कर रही हूँ ब्लॉग एंड,
और मैं आपसे मिलूंगी कल अपने नए ब्लॉग में, क्योंकि इस टाइम मुझे बहुत गर्मी लग रही है और मैं ना ये ताम झाम टी शर्ट वगैरह मेकअप शेकअप सब उतार के फ्री होना चाहती हूँ, इसलिए मैं कर रही हूँ ब्लॉग एंड गर्मी एक्चुअल में बहुत ज़्यादा है किचन में एक्सट्रीम वाली। तो मिलती हूँ आपसे कल अपने नए ब्लॉग में, तो हमें ढेर सारा प्यार दीजिए, हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दीजिए और हमारा ब्लॉग देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।